तो एलुमिनाटीज को अपन लोग देख चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। हाँ, वो पता लगे कि अपनी वांडा दीदी ने किसी का आलू बम तो किसी की मैगी बना दी, बट ये सच कुछ पावरफुल है। तो इनके इसी पावर को देखते हुए आज हम इनका कंपेरिजन गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के साथ करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में जो भी ज्ञान मैं पेलूंगा वो मूवीज यानी एमसीयू के बेसिस में होगा, तो कृपया करके आप कॉमिक्स को प्लीज ऐड मत करना वरना बाद में तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हो, इसीलिए ये कंपैरिजन सिर्फ मूवीज के बेसिस पे होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं यार, फटाफट से कैप्टन के शेयर को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अभी इस ऑसम कंपैरिजन को शुरू करते हैं थोर वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक की फाइट से। तो रीड रिचर्ड एके मिस्टर फैंटास्टिक कमाल का इन्वेंटर साइंटिस्ट और पता नहीं क्या कुछ है, इसके साथ साथ ये वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है। तो अब अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात करें तो रीड रिचर्ड इस बैटल को आराम से हार जाएगा। अब देखो, थोर गॉड ऑफ थंडर है, अगर ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट बैटल करते हैं तो थोर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थोर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस है जो आई थिंक रीड रिचर्ड को फाड़ कर रख देगा। इसके अलावा वांडा ने भी इसकी मैगी बना दी थी, बट हाँ, थोर के पास भी उसके अपने एबिलिटीज हैं। लेकिन अगर वहीं पे अपन लोग बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन टाइम फाइट की, मतलब अगर इन्हें प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो उसके बाद रीड के चांसेस बनेंगे। क्योंकि यार तुम लोग ये सोचो कि रीड सबसे स्मार्टेस्ट मैन है पूरे वर्ल्ड का, मतलब उसके पास नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी तो होगी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वांडा के खिलाफ उसकी टेक्नोलॉजी कहां गई, और वांडा की तरह अगर अपना रीड थोर के सामने भी ऐसे ही खड़ा हो गया तो 2 सेकंड का मेहमान रहेगा वो। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आया तब भी वो थोर को आई डोंट थिंक ही बीट कर पाएगा, बट अगर वो प्रिपरेशन टाइम के बाद आता है तब उसके चांसेस बनेंगे, बिकॉज वो सबसे स्मार्टेस्ट मैन है एंड थोर के खिलाफ कुछ इन्वेंट करके आएगा तो उससे वो थोर को डिफीट कर सकता है। तो मे बी हाँ, प्रिपरेशन टाइम के बाद उसके चांसेस है, अदरवाइज गॉड ऑफ थंडर के आगे उसका कोई मूव नहीं टिकने वाला। तो अगर अपन लोग थॉर वर्सेस कैप्टन कार्टर की बात करते हैं तो तुम लोगों को पता है, मुझे पता है कि विनर कौन है, थॉर। इन दोनों का कंपैरिजन तो इस तरह से हो गया कि एक बेटा अपने बाप से लड़ रहा है, और तुम लोगों को पता है कि बाप नहीं, रहने दो, वो डायलॉग नहीं मारेंगे, बट तुम इतना समझ लो कि थॉर इस बैटल को जीत गया है। तो अगर अपन लोग थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो मार्वल वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि थोर ज्यादा पावरफुल है कैप्टन मार्वल से, एंड बैटल का विनर भी वही होगा। क्योंकि व्हाट इफ के एपिसोड में हमने ये बात साफ देख ली थी कि थोर ने ऑलमोस्ट पेल दिया था कैप्टन मार्वल को, और थोर सीरियस होकर तो लड़ भी कहां रहा था, अगर सीरियस होकर लड़ता तो क्या हाल होता कैप्टन मार्वल का। इसके साथ साथ भले ही अपनी कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हो, मतलब थोर के लाइटनिंग अटैक उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं छोड़ेंगे, बट उसके वेपन्स उसको फाड़ के रख देंगे, जैसा हमने व्हाट इफ में भी देखा, और इसके पास अपर हैंड होने में तो स्टॉर्म ब्रेकर है ही है। तो यस, थोर कैप्टन मार्वल को बीट कर देगा। और जहां तक अर्थ 838 कैप्टन मार्वल की बात आएगी तो हां, इसे भी, क्योंकि इसका लेवल अभी तक अपनी कैरल के पास नहीं पहुंचा है अकॉर्डिंग टू फीट। तो यस, थोर इज द विनर। थोर वर्सेस ब्लैक बोल्ट। तो अगर अपन लोग ब्लैक बोल्ट की बात करें तो ये राजा है इन ह्यूमंस का, और अगर ये कुछ भी अपने मुंह से चलते फिरते किसी को भी बोल दे तो बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉमिक्स में तो ये प्राणी इतना खतरनाक है कि ये लिटरली अपनी स्क्रीम से पूरे प्लैनेट को उड़ा सकता है, मतलब हाँ, अगर ये चिल्लाएगा तो प्लैनेट ही तबाह हो जाएगा। अब देखो, इसके बैटल के लिए हमें थोर की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा, और थोर की ड्यूरेबिलिटी के दो सबसे पावरफुल फीट यही है कि पहला कि उसने पावर स्टोन को अपने माथे में सहा था जो प्लैनेट्स को फाड़ने का दम रखता है, एंड सेकंड कि उसने डाइंग स्टार यानी न्यूट्रल स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, और ये दोनों फीट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यस, ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम या इसके वोकल थोर का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब एनिमेटेड सीरीज में जब इनकी फाइट हुई थी तो इसके वोकल ने थोर को जस्ट बाउंस बैक किया था, एंड मूवीज में भी ऐसा ही होगा कि ये थोर को थोड़ी देर तक पीछे ढकेलने का पोटेंशियल रखेंगे, बट ये थोर को ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि थोर के फीट्स ब्लैक बोल्ट से करोड़ों गुना ज्यादा बेहतरीन है, और फिर थोर के पास उसके वेपन्स तो हैं ही हैं उसको पेलने के लिए, और अगर ये भी कम लगता है तो उसके पास उसकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन है जिससे वो थंडर की पूरी फील करा देगा ब्लैक बोल्ट को। तो यस, थोर इज द विनर, एंड इसके साथ साथ थोर ने 4 मेंबर्स को पेल दिया है एलुमिनाटीज के। अब सिर्फ हमारे पास 2 मेंबर्स बचते हैं जो सबसे पावरफुल एलुमिनाटीज है। सबसे पहले अपन लोगों के पास है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक्स, मतलब थोर वर्सेस प्रोफेसर एक्स। तो अगर तुम लोग एक्समैन की मूवीज को देखते आ रहे हो तो तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि प्रोफेसर एक्स कितना पावरफुल म्यूटेंट है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी यूनिवर्स के प्राणी के दिमाग को कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखता है। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक्स लिटरली नेक्स्ट लेवल टेलीपैथ है, यानी किसी के भी दिमाग पे कंट्रोल। अगर अपन लोग इनके बैटल की बात करें तो नो डाउट फिजिकली थोर के पास बहुत हद तक एडवांटेज है, मतलब अगर थोर का एक भी पंच या उसके स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट चढ़ता है प्रोफेसर एक्स के ऊपर तो वो उठेंगे नहीं, गिर जाएंगे।
हाँ जानता हूँ बेकार जोक था, बट यस फिजिकली एडवांटेज थोर के पास है, मतलब अगर एक भी हिट लगा तो प्रोफेसर एक्स का काम तमाम। बट अगर तुम प्रोफेसर एक्स के फाइटिंग स्टाइल को नोटिस करते हुए आ रहे हो कि वो किस तरह से लड़ते हैं, तो यस प्रोफेसर एक्स थोर को इतना टाइम नहीं देंगे कि वो उनके ऊपर चढ़ जाए। प्रोफेसर एक्स उसका इतनी जल्दी माइंड कंट्रोल कर लेंगे कि थोर उस टाइम डिफीट हो जाएगा। मतलब तुम इस तरह से समझो कि प्रोफेसर एक्स ने अगर एक बार थोर के माइंड तक पहुंच गए और उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया तो थोर का काम उसी टाइम तमाम हो जाएगा, क्योंकि थोर के माइंड को कुछ इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये खुद ही उसको उससे मरवा दे। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई थोर तो गॉड है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अपनी वांडा दीदी ने भी थोर के माइंड को कंट्रोल किया था, तो प्रोफेसर एक्स तो बहुत बड़ी गेम हो गई। तो यस अगर थोर के माइंड तक ये बंदा पहुंच गया ना तो थोर का काम तमाम। लेकिन हाँ थोर अपनी लाइटनिंग एबिलिटी की हेल्प से अगर फर्स्टली अटैक करता है तो उस टाइम प्रोफेसर एक्स को ये मार सकता है। बट तुमने एक बार नोटिस की होगी कि प्रोफेसर एक्स का ये बैटल स्टाइल नहीं है, प्रोफेसर एक्स सीधा आता है और किसी भी की माइंड के ऊपर चढ़ जाता है, और थोर के साथ भी वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। क्योंकि अगर तुम इसे वांडा से कंपेयर करके देख रहे हो ना तो तुम लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि वांडा का बैटल स्टाइल प्रोफेसर एक्स से हजारों लाखों गुना ज्यादा अलग है। क्योंकि प्रोफेसर एक्स डायरेक्टली अटैक करता है लेकिन वांडा पहले थोड़ा टाइम लेती है। और जहां तक बात आती है स्टॉर्म ब्रेकर की, तो पावरफुल लोग ऑलरेडी इसको लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अपना प्रोफेसर एक्स ये कोशिश करता है तो हाँ अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से वो थोर के स्टॉर्म ब्रेकर को भी दूर कर सकता है। तो थोर के पास फाइनली बस एक ही अटैक बचेगा, उसकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन। बट आई डोंट थिंक कि थोर इतना जल्दी फास्ट मूव करेगा, और तब तक प्रोफेसर एक्स वैसे भी उसके दिमाग को कंट्रोल कर चुका होगा। तो यस प्रोफेसर एक्स इज द विनर ऑफ द बैटल, प्रोफेसर एक्स डिफीट कर सकता है एमसीयू के थोर को। क्योंकि देखो थोर का फाइटिंग स्टाइल भी ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के ऊपर चढ़ गए और उसको लाइटनिंग मैनिपुलेशन पेल दिया। अगर थोर ऐसा कर देता है तो तब बात अलग हो जाती है। बट अगर हम इसके फाइटिंग स्टाइल को लेके चलें तो ये सीधी तरह प्रोफेसर एक्स के सामने खड़ा होगा, लेकिन प्रोफेसर एक्स तब तक इसके दिमाग के साथ खेल चुके होंगे। और बस इसलिए आई थिंक कि प्रोफेसर एक्स के इस बैटल में जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और कहीं ज्यादा हैं। तो अब अपन लोग बात करते हैं इस बैटल के फाइनल कंपैरिजन की, थोर वर्सेस अर्थ 838 डॉक्टर स्ट्रेंज और यहां का सॉर्सरर सुप्रीम। मोर्डो को गोली मारो हम नहीं लेंगे उसे। तो अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसने थैनोस को पेल के रख दिया था डार्कहोल्ड की हेल्प से। थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड उसमें ही उसने घुसा के उसे परे फेंक दिया था। तो यस अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत हद तक एडवांटेज है कि वो थोर को डिफीट कर सकता है। इसके साथ साथ उसके मिस्टिकल आर्ट्स का एक्सेस है, क्योंकि वो सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम है। और डार्क होल की हेल्प से लिटरली ये बंदा कितना पावरफुल है कि इसने अपने पोटेंशियल से ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली थी, जिस मूव की मदद से वांडा ने ये सारे कांड किए थे। तो यस ये अपने बाकी वेरिएंट्स को बुला के थोर के खिलाफ लड़ सकता है, तो इसीलिए थोर के खिलाफ इसके बहुत से एडवांटेज है। और जिस तरह इसने थैनोस को इतना इजिली पेल दिया था, चार इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को, तो थोर इसके लिए कोई बड़ी गेम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अपनी डार्क होल के पास सिर्फ और सिर्फ ड्रीम वॉकिंग है, उसके पास ऐसे हजारों लाखों पावरफुल स्पेल्स होंगे जिनकी हेल्प भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने ली होगी थैनोस को पेलने के लिए। तो अगर वो उन सब स्पेल्स का यूज करता है तो थोर के आई डोंट थिंक कि ज्यादा चांसेस बनेंगे। हाँ ये बात तो है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ग्लास कैनन करेक्टर है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास फिजिकली ज्यादा पावर नहीं होती तो थोर के एक दो क्रिटिकल हिट से इसका काम तमाम हो जाएगा। बट हाँ ये बात है कि ये प्रोटेक्टिव फील्ड्स को जनरेट कर सकता है थोर से बचने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में हमने ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह से ही खुद सुन ली थी कि ये बंदा जिस चीज को एक बार पढ़ लेता है वो कभी भी नहीं भूलता। जब अपने यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को पेलने जा रहा था तो उसने सिर्फ और सिर्फ डार्क होल को स्टडी किया कुछ सेकंड्स तक, और उसके पास कमाल की पावर्स आ गई। तो मतलब तुम खुद सोचो कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो कितने टाइम तक डार्क होल को स्टडी किया है, तो इसके पास तो किस लेवल की पावर होगी। तो यस आई डोंट थिंक कि थोर इस डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर सकता है, क्योंकि अगर इसके पास ड्रीम वॉकिंग होगी तो ये थोर को अपने अलग वेरिएंट से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, और ये सब मिलके इसे पेल ही देंगे यार, क्योंकि थोर इतना भी पावरफुल नहीं है कि बहुत से डॉक्टर स्ट्रेंज से साथ में ही लड़ पड़े। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला ही थोर को बहुत ही तगड़ी टक्कर देता है, तो अगर बहुत से आ गए प्लस डार्क होल्ड भी आ गए तो आई डोंट थिंक कि थोर इस बैटल को जीत पाएगा। इसीलिए एलुमिनाटिस के सिर्फ दो मेंबर प्रोफेसर जेवियर एक्स एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वो कैरेक्टर्स हैं जो आई थिंक कि थोर को बीट कर सकते हैं अगर ये पहले अटैक करे तो, क्योंकि प्रोफेसर एक्स का तो स्टाइल ही यही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी प्रोटेक्टिव फील्ड की हेल्प से थोर से बच सकता है। तो यस ये दोनों कैरेक्टर्स आई थिंक कि थोर को बीट कर देंगे। तो ऑलराइट गाइस, बाकी तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें नीचे कमेंट में शेयर करना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग बैटल का रिजल्ट क्या हो सकता था और कौन जीत सकता था। एंड अगर वीडियो से कुछ भी डिटेल मिस हो गया तो वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने ज्ञान पेला थोर वर्सेस एलुमिनाटिस के ऊपर। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 असिस्टेंट असेंबल्ड।